मूवी की स्टार्टिंग में हम एलियस और लुकास नाम के दो ट्विन ब्रदर्स को देखते हैं। ये दोनों अपने फादर के साथ में कई दिनों बाद अपनी मॉम के साथ में रहने के लिए जा रहे हैं। फादर इन दोनों को यहाँ पर पहुँचाकर बाहर से ही वापस चले जाते हैं, जिसके बाद में अब ये दोनों अपनी मॉम से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ये दोनों लोग पूरे घर में अपनी मॉम को ढूंढते हैं, जिसके दौरान इन्हें घर की हालत काफी खराब दिखाई देती है। अब इनके सामने इनकी मॉम आती है, जो कि उनके चेहरे पर मास्क वाला बैंडेज लगा हुआ था। एक्चुअली इनकी मॉम एक सेलिब्रिटी है और उन्होंने चेहरे पर सर्जरी करवाई है, लेकिन इसे देख के एलियस और लुकास की जो उनसे मिलने की एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को नहीं पता है कि उन्होंने ये मास्क पहना है तो इस समय उनकी शक्ल कैसी होगी। मॉम इन दोनों को इनके कमरे में ले जाती है। वो एलियस को एक वेलकम गिफ्ट देती है जो उसे काफी पसंद आता है। अब इसी के दौरान वो कहती है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो मेरे बेडरूम में तुम्हें नहीं जाना है और पास के शेड में भी जाना मना है। इसी तरह के वो कुछ और रूल्स भी बताती है। दोनों बच्चे इतने दिनों बाद अपनी मॉम से मिलकर बेहद ही खुश होते हैं। एलियस उन्हें अपनी एक ड्रॉइंग देता है, जिसे देख के मॉम का रिएक्शन थोड़ा शांत सा रहता है। आज के दिन दोनों बच्चे अपनी मॉम के साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रात हो जाने पर उनकी मॉम उनको कहानी भी सुनाती है। लेकिन सोने जाने से पहले वो इन्हें वो सॉन्ग नहीं सुनाती है जो पहले वो सोने जाने से पहले सुनाया करती थी। इस बात पर लुकास एलियस को चिंता ना करने को कहता है, लेकिन बाहर से मॉम सारी बातें सुन रही थी। अब अगला दिन होता है। एलियस और लुकास दोनों लोग साथ में खेलते हुए सेट के पास में पहुंच जाते हैं। मॉम ने भले ही उन्हें वहां जाने से मना किया है, लेकिन एलियस बिना किसी की परवाह किए बगैर उस सेट के अंदर चला जाता है। एलियस को अंदर यहाँ पर उसकी कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, मगर उसे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो देख के सोचने लगता है। अब उसके बाहर निकलने पर मॉम यहाँ पर आ जाती है और एलियस को खूब डांटते हुए उसे नीचे गिरा देती है, जिससे एलियस को चोट लग जाती है। घर जाने पर लुकास एलियस के घाव पर दवाई लगाता है, लेकिन इस समय वो दोनों उसी लकड़ी पर खून जैसी चीज लगी होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब रात हो जाने पर एलियस अभी भी उसी स्पॉट को सपने में देख रहा होता है और एक गन शॉट की आवाज से उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि उसने बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया है, जिसके बाद में वो कमरे से बाहर जाता है। बाहर आने पर वो अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करता हुआ देखता है। मॉम बात कर रही होती है कि वो ये सब नाटक करके थक चुकी है, मुझे अब ये सब कुछ खत्म करना है। अचानक से एलियस से कुछ आवाज हो जाती है, जिसके बाद मॉम को भी शक हो जाता है कि वहां पर कोई खड़ा था। भले ही एलियस चुपचाप जाके बेड पर लेट गया है, लेकिन मॉम को पता है कि वो बाहर गया था। अगले दिन एलियस लुकास से रात वाले इंसिडेंट पर बात कर रहा था। एलियस ये सोच रहा था कि वो शायद उनकी मॉम नहीं है। अब जब मॉम आती है तो फिर से उनके फोन पर कॉल आता है, जिसके बाद में वो अपने कमरे में चली जाती है। ये दोनों भी चुपके से उनके कमरे के बाहर कान लगा के बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब इन दोनों बच्चों का सातिर दिमाग एक आइडिया लगाता है। वो एक वॉकी टॉकी पर टेप लगा के उसे ऑन रखते हैं और फिर चुपके से अपनी मॉम के रूम में जाकर उनके बेड के नीचे इसे रख देते हैं। अब इसी दौरान एलियस कमरे में अपनी और लुकास की फोटो दीवार पर लगी हुई नहीं देखता है। मॉम भी अब कमरे में आ जाती है, जिसे छिपने के लिए एलियस पर्दे के पीछे चला जाता है। मॉम यहाँ आके अपने आप को शीशे में देखते हुए डांस कर रही थी और इधर एलियस को उसकी ड्रॉइंग जिसे उसने मॉम को दी थी उसे वो डस्टबिन में मिलती है। इसे देख के एलियस का और भी शक बढ़ जाता है कि वो उनकी मॉम नहीं है। उनकी मॉम अब जब बाथरूम में जाती है तो अपना मास्क यहाँ पर वो चेंज कर रही होती है, लेकिन हम लोगों के साथ में एलियस को भी यहाँ पर उनका चेहरा नहीं दिख पाता है। एलियस काफी डरा हुआ है, लेकिन ड्रॉइंग को बाहर पड़ा हुआ देख के उनके मॉम को भी शक हो जाता है कि कोई कमरे में आया था। अब इधर दोनों लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो हमारी मॉम नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि वो सिगरेट भी नहीं पीती थी। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो चुपके से अपनी मॉम की एक फोटो खींचते हैं। अब इस फोटो को पुरानी फोटो से कंपेयर करने के बाद में ये पता चलता है कि उनकी असली मॉम की आईज का कलर ग्रीन था और इनका ब्लू है। इसको देख के इन्हें और भी कंफर्म हो जाता है कि वो इनकी मॉम नहीं है। अब इसके बाद में वो ये बात फोन से डैड को बता देते हैं कि ये उनकी मॉम नहीं है। इसके बाद में अब जब रात हो जाती है तो उनकी मॉम गुस्से से उनके कमरे में आती है। यहाँ पर अब जो एलियस के पास में फोन होता है वो उसे छीन लेती है और उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उस फोन को ही तोड़ देती है। अब इस इंसिडेंट से उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी मॉम नहीं है, लेकिन साथ में उनसे खतरा भी है। तो वो अपने कमरे को लॉक कर लेते हैं और साथ में एक लोग पहरे के लिए जगता भी है। एलियस की जब जगने की बारी आती है और वो जग रहा होता है तो वो चुपके से बाहर चला जाता है। वो बाथरूम में जाता है जहां उसकी मॉम अपना मास्क निकालकर बाथटब में नहा रही होती है। एलियस इसी को मौका देख के उनके मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मॉम उठ जाती है और फिर एलियस उनके सर पर कुछ मार के वापस कमरे में भाग जाता है। मॉम भी उसके पीछे जाती है, लेकिन डोर लॉक था, जिसके
जिसके बाद वो उसे तोड़ देती हैं। अब कमरे में आ जाने पर वो एलियस से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एलियस कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो। इस पर मॉम उसे खूब तेज चाटा मारती है और फिर उसे बाथरूम में ले जाके ठंडे पानी में तब तक टॉर्चर करती है जब तक वो ये नहीं कह देता कि वो उनकी मॉम है, और बाहर से लूकस बस ये सब देख रहा होता है। अब कुछ देर बाद में हम मॉम के कमरे में कुछ अजीब सा होता हुआ देखते हैं। ये काफी अजीब इंसिडेंट है, लेकिन ये बस एलियस का एक नाइटमेयर था। लूकस ने एलियस को जगाया है और वो कहता है कि उनके आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना होगा। दोनों लोग घर से चुपके से बाहर निकलकर भागते हैं, लेकिन आज बारिश भी हो रही थी। वो दोनों ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, जिससे पास के एक खाली पड़े घर के अंदर जाकर आज के लिए वो यहीं रुकते हैं। दोनों लोग अब यहाँ सो जाते हैं और सोते हुए एक बार एलियस को फिर से वही शेड वाला स्पॉट नजर आता है। साथ में वो उसे क्रीपी क्रिएचर भी नजर आता है, लेकिन तब तक एलियस को यहाँ पुलिस आकर जगा देती है। एलियस अब इन दोनों को पूरा इंसिडेंट बताता है कि घर पर वो उनकी असली मॉम नहीं है बल्कि कोई और है, जिसके बाद में पुलिस एलियस की बात को सुनने के बाद में उन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग उन्हें उन्हीं के ही घर ले जा रहे थे। अब घर पहुंचने पर एलियस और लूकस के साथ में हमें ये तो पता चल जाता है कि वो औरत इन्हीं की असली मॉम है। पुलिस यहाँ पर मॉम से इसी इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रही होती है, जिसके बाद में मॉम पुलिस वालों को अपनी एक्टिंग से पूरी बात को क्लैरिफाई कर देती है, और जो एलियस के मुंह पर चोट लगी थी वो ये बात बताती है कि उसे बाथरूम में चोट लगी थी। पुलिस भी एक्चुअली उनकी फैन होती है, तो वो इन बच्चों की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। इधर ये दोनों भी जानते हैं कि हम तो छोटे बच्चों की बातों को आखिर कौन मानेगा, लेकिन हम फिर भी अगले दिन भागने का ट्राई करेंगे। मॉम ने ये जो भी एलियस के साथ में किया था इसके लिए वो दुखी थी, लेकिन आज की रात ये दोनों बच्चे तो कुछ और ही प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन जब उनके मॉम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड में बंधा पाती हैं। इन दोनों ने अपनी मॉम को बांध दिया है। मॉम कहती है कि प्लीज मुझे खोल दो, मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन एलियस उनकी पुरानी फोटो दिखाते हुए कहता है कि आपकी पहले आंखें ग्रीन थी तो अब ब्लू कैसे हो गई। वो बताती है कि शूटिंग करते वक्त मुझे लेंसेस पहनने पड़ते हैं और लेंसेस का कलर ग्रीन है, लेकिन एलियस अभी भी ये बात मानने को रेडी नहीं है। वो उन्हें खूब टॉर्चर करते हुए ये कहलवाने की कोशिश करता है कि आप कौन हो और हमारी असली मॉम कहाँ है, मगर मॉम तो यही कहती है कि वो ही उनकी असली मॉम है। तुम बाहर जाकर मेरे पर्स में लेंस को चेक कर सकते हो। अब लूकस एलियस को इन्हें इसी हालत में छोड़कर घर से चलने को कहता है, लेकिन यहाँ से जाते समय एलियस एक बार उनके बैग में लेंस को चेक करना चाहता है। लूकस बैग में लेंस को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ लेंस नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। अब एलियस बहुत ही सोच में होता है क्योंकि वो ऐसे ही उन्हें बांध कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन लूकस इधर जिद कर रहा है कि हमको जल्दी यहाँ से चलना चाहिए और हमने अगर उन्हें खोल दिया तो वो हमें मारेंगी। एलियस एक बार फिर से मॉम के पास मिलने जाता है, जहाँ अब मॉम कहती है कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुझे पता है ये तुमको लूकस ने करने को कहा है, उसकी बात मत मानो, तुम स्मार्ट बॉय हो। वो एलियस से अपना एक हाथ खोल देने को कहती है क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। एलियस भी उनकी ऐसी हालत को देख के उन्हें खोलने के लिए कैंची लेके आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक लूकस आ जाता है। लूकस अब एलियस को बाहर बुलाता है, जिसके बाद में वो दोनों लोग इस कमरे से निकल जाते हैं। सामान को पैक करते वक्त अब यहाँ पर वही पुलिस वाले आ जाते हैं। इन्हें देखकर एलियस घबरा जाता है। पुलिस एलियस से पूछती है कि उनकी मॉम कहाँ है। एलियस कहता है कि वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। अब पुलिस कुछ देर बाद यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब ये दोनों लोग भी घर छोड़ के निकलने वाले होते हैं। मगर जाते समय पता नहीं कहीं ना कहीं एलियस के मन के अंदर कुछ न कुछ चल रहा था। वो लूकस को झूठ बोल के एक बार फिर से घर की ओर जाता है और वो यहाँ आके बैग में खुद से ही लेंसेस को चेक करता है। वो देखता है कि ग्रीन कलर के लेंसेस बैग में रखे हुए हैं, यानी कि लूकस ने झूठ बोला। अब इसके बाद फिर वो लूकस को छोड़कर जल्दी से अपनी मॉम के पास में जाता है। वो अपनी मॉम को अब खोल देता है और मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती। एलियस कहता है कि ये सब लूकस ने मुझसे करने को कहा था। मॉम और एलियस नीचे जाते हैं, लेकिन लूकस यहाँ नहीं होता है, जिसके बाद अब मॉम उसे उसी शेड की ओर ले जाती हैं। एलियस को फिर से उसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर वो पहले आया था। इसे देखकर पता नहीं उसे क्यों डर लग रहा होता है, और अब हम जब इस बार वो स्पॉट को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये एक गोली चलने का निशान है। एक्चुअली ये गोली एलियस ने चलाई थी। एक बार जब एलियस और लूकस साथ में इसी सेट में खेल रहे होते हैं तो एलियस के पास में लोडेड गन थी, तो खेल खेल में उसे गलती से ये लूकस की ओर चल जाती है, जिससे लूकस की मौत होती है। यहाँ तक आप लोगों ने जो सोचा था वो बिल्कुल गलत था। लूकस शुरू से ही एलियस का एक वहम था। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुका है। उसके मरने से मॉम भी काफी डिप्रेस्ड रहती थी, जिससे उनके बिहेवियर में काफी चेंज आया। एलियस हमेशा लूकस को अपने करीब मानता था, तो ये बात मॉम को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो सच्चाई से उभर नहीं पाया था। अब जब ये सारी बातें एलियस को पता चलती है तो वो अपनी मॉम को गुस्से में नीचे ढकेल देता है। ऊपर से गिरने पर उसके मॉम की डेथ होती है और फिर उस लालटेन की वजह से पूरे सेट में आग लग जाती
जाती है। एलियस बाहर की ओर भागता है, पूरा सेट जल रहा था, जिसके बाद अब उसके पीछे से लूकस और उसकी मॉम आती है। मॉम कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, जिसके बाद अब ये दोनों एलियस के सोच के सहारे उसके साथ रहेंगे और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो ये मूवी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी, जहां हमें पहले इस बात पर मूवी सोचने पर मजबूर करती है कि वो उसके असली मॉम है या फिर नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स के बाद तो पूरा सीन ही बदल जाता है। खैर ये थी 2022 की हाल ही में रिलीज हुई गुड नाइट मॉमी मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।